नमस्कार, मैं शिव पांडे, आप सभी का स्वागत करता हूं द प्रिंट के इस साप्ताहिक कार्यक्रम सॉफ्ट कवर में, जिसमें हम हर हफ्ते किसी एक खास किताब पर बात करते हैं और उसके राइटर से भी आपको मिलवाते हैं। आज जिस किताब पर हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं, एक ऐसे ऐतिहासिक चरित्र हैं जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। इस किताब का नाम है संभाजी महाराज, शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज। उनकी शौर्य गाथा के ऊपर ये किताब है और इसको लिखा है मेधा देशमुख भास्करन जी ने, जो कि आज हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। मेधा जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे इधर बुलाया चर्चा करने के लिए। जी, एक चीज इसमें जैसे आपकी किताब पढ़ के लगा, शुरू में जो संभाजी का जो पूरा चरित्र चित्रण आपने किया है उसमें थोड़ा कमजोर कैरेक्टर लगते हैं, कमजोर दिखते हैं। बाद के जो संभाजी हैं वो ज्यादा बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखते हैं। उनका बात बात पे गुस्सा करना, इरिटेट हो जाना, और पिता पे मतलब पिता पे विश्वास नहीं था, ये भी एक बात है कि वो क्यों विश्वास नहीं करते थे शिवाजी पर, उनको लगता था कि हमको साइडलाइन किया जा रहा है। तो ये जो मतलब होता है ना, देखो आइंस्टाइन, देखो आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन मालूम है ना? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। उनका बेटा था, उनका नाम था यूडर्ट, यू अर्ट, यू अर्ट। वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे। उनका एक वाक्य है, इंग्लिश में मैं बता सकती हूँ। हाँ हाँ, व्हेन यू हैव एन इम्पोर्टेंट फादर, आपके पिता बहुत महत्वपूर्ण है, तो देन यू हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर, नो देन यू फील वेरी अनइम्पोर्टेंट। ओके, एक ये भी कहावत है कि महान पिता के पुत्रों के कंधों पर बहुत बड़ा भार होता है, इसलिए उनके लेगेसी को कैरी करना, कैरी फॉरवर्ड करना बहुत आसान नहीं होता है। और शिवराय के जो आप अभी शिवराय के जो विजन थी कि मिलिट्री सिस्टम वो खाली, देखो आप कोई भी लो, कोई भी वॉरियर, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, लड़ा योद्धा, योद्धा योद्धा, कोई भी योद्धा लो, पर जो विजन था शिवराय का कि मिलिट्री सिस्टम कैसी बनाए, उनकी मिलिट्री सिस्टम जैसे हमारे यहाँ जनरल है, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, मेजर जनरल है, ब्रिगेडियर है, ऐसी जो एक चेन ऑफ कमांड है ना, ऐसी कहाँ भी 2000-3000 साल नहीं थी, ना हिंदू राष्ट्रों में थी ना मुस्लिम राष्ट्रों में। जैसे शिवाजी जानते थे कि जो सोहराबाई है उनकी दूसरी पत्नी संभाजी की सौतेली माँ, उनको पसंद नहीं करती और वो कंटिन्यूअस तो नहीं करती, ऐसा भी नहीं था उसको, उस अभी वो तो क्वीन कंसॉर्ट थी, उनको उनका राज्याभिषेक शिवराय के साथ हो गया था, वो तो आलोचनात्मक व्यू अपनाती थी ना संभाजी के लिए, तो वो उसको उसके बेटे का उनको उसको पावर उनके खुद के बेटे के लिए चाहिए था। हाँ, तो जब इस बात को शिवाजी जानते थे और शिवाजी संभाजी को चाहते थे कि राजा बने, तो उन्होंने अपने रहते रहते इस चीज को पूरी तरीके से उनको प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर दिया था संभाजी को कि नहीं अब ये राजा यही रहेंगे, वो बाद की जो स्थितियां क्रिएट हुई। अरे किसी को भी पता नहीं था वो इतने जल्दी जाएंगे, खुद को भी नहीं पता था कि वो 50 साल में, वो तो एकदम उस वक्त तो 5 ही साल हुए थे उनको राज्याभिषेक हुए हुए शिवराय का, 5 ही साल हुए थे। तो उनको किसी, देखो आप मैंने भी मेरे फैमिली में मृत्यु देखे है, मेरी माँ 88 साल की हो गई, वो मर गए, तो उनको लास्ट दिन का भी नहीं, वो कल की सोचती है मैं क्या करूँ, सब्जी क्या सब्जी बनाऊ। देखो उनको हर हर वक्त अब मृत्यु के बारे में, मृत्यु दूसरे के घर में होता है, मैं नहीं मरने वाला ऐसे, पर मुझे लगता है शिवराय को पता भी नहीं था वो इतने जल्दी चले जाएंगे, तो बहुत जल्दी कम उम्र में कुछ भी उन्होंने प्लानिंग नहीं किया। अभी वो 70, 75, 80 ऐसे हो गए होते तो वो प्लान करते। आपको क्या लगता है कि मराठा और राजपूत, मेवाड़ या मारवाड़ का जो क्षेत्र था और मराठा, एक नहीं हो पाए, मतलब साथ में आकर के मुगलों के खिलाफ इन्होंने नहीं युद्ध छेड़ा। मुगलों ने यही किया कि शुरू में राजपूतों को
वो किया, अपने अधीनस्थ बनाया, जैसे मिर्जा राजा जय सिंह का आपने जिक्र किया, अपने अधीन करके मनसबदार बना लिया, फिर मराठों पर उन्होंने आक्रमण करने की सोची, तो ये साथ आकर के क्यों नहीं, क्या इसके पीछे रीजन रहा? एक तो देखो, आप बोले तो राजस्थान में मेवाड़ और मारवाड़ भी एक साथ नहीं आ गए, हाँ नहीं आए थे, यही तो नहीं मैं आए, जानना चाह रहा हूँ तो कि क्यों नहीं। मराठा का दूर दूर की बात है, हाँ की मराठा तो बहुत दूर है, बिल्कुल आपसे, वो भी बात है। साथ नहीं आया, फिर क्यों? हाँ आखिर क्यों, देखो जो एम्परर मटेरियल, कुछ तो राजपूत लोग एम्परर मटेरियल थे वो, और वो मुगल एम्परर से भी बहुत बड़ा साम्राज्य करने की उनमें ताकत थी, तो वो लोग भी क्यों मुगलों के लिए, अभी मिर्जा राजा जय सिंह बोले तो वो, उसको तो 10-15 भाषा आती थी, वो मल्टीलिंग्विस्ट थे, उनके दरबार के रिवाज सब पता थे, वो बहुत पॉलिटिकली अच्छी बातें कर सकते थे, वो रण शौर्य, वो ही वॉज अ ग्रेट जनरल, ओके। तो सेनापति बहुत अच्छे थे। और उनको राजपूत लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला था, हाँ, तो वो क्यों मुगलों के लिए लड़े, ये भी एक बहुत रहस्य वाली बात है, क्योंकि इतना ऐसा क्या था मुगल लोगों में कि ये इतने अट्रैक्ट हो गए उनके पास। तो ये भी एक, देखो अभी जो मेवाड़ के राणा थे वो तो फाइट किया ना, मेवाड़ के राणास ने तो मुगलों से फाइट फाइट किया, फाइट किया, हाँ फाइट किया, किया, पर मारवाड़ के जो जसवंत सिंह राठौड़, वो मुगलों के सरदार बने, है ना, वो मुगलों के सरदार बने, और मिर्जा राजा जय सिंह जैसी बड़ी हस्ती, वो भी मुगलों की सरदार बनी, वो तो 13 साल के उम्र में ही शाहजहां के साथ लड़ने को तैयार हो गए। ये क्यों हुआ, ये इतिहास में जाके इट्स वेरी, और अभी शिवराय के पहले के जो मराठास थे, कोई भी मराठा सरदार ले लो आप, वो भी तो सारे सल्तनत या मुगल एम्पायर के साथ ही काम करते थे ना। शिवराय के खुद के पिताजी शाहजी भोसले, वो भी पहले मुगलों के साथ काम किए हैं, निजाम शाही के साथ काम किए हैं, आदिल शाही के साथ काम किए हैं, उनका सपना था मैं स्वराज बनाऊं, पर उनके हाथ से हो नहीं पाया। तो हमारे सारे लोग जो हम इतने, हमारे मराठा ले लो या राजपूत ले लो, अब ज्यादा से ज्यादा लोग ये जो इन्वेडर्स थे उनके लिए काम करने में, उनके सरदार होने में, उनके पास से पदवी लेने में, और उनके पास से ग्रहण नजराना, करने में, या उन्होंने बहुत उसमें दे वर प्राउड ऑफ दैट, यू नो। तो अच्छा कहीं जो जैसे जो मुगलों की जीत का या मराठा की हार का जो कारण था, आपने दो तीन जगह मेंशन भी किया है कि जैसे शेर खान बोलता है जब वो भाग रहा होता है अपने किले को छोड़ के, तो बोलता है कि अगर हमारे बीवी बच्चे सरेंडर कर देंगे तो मराठा नहीं मारेंगे, क्योंकि वो बच्चों पर और स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। एक जगह खान जमान भी कहता है कि लगता है ये मराठा हैं, और अगर ये मराठे हैं तो ये स्त्रियों और बच्चों पर वैसे भी हाथ नहीं उठाएंगे। दूसरी तरफ आप दिलेर खान को देखती हैं कि उसके सैनिक क्या करते हैं कि जहां जिस गांव में पहुंचते हैं बच्चों को कुएं में फेंक देते हैं, स्त्रियों के साथ बलात्कार करते हैं और नाक काट दे रहे हैं, हाथ काट दे रहे हैं, नृशंसता। और तो क्या ऐसा तो नहीं है कि एक क्रूर सेना के सामने एथिकल तरीके से लड़ना आपकी राजनीतिक गलती कहीं थी हार की वजह, ये भी कहीं लगता है आपको? नहीं, उसके लिए तो आप मेरे से एक और चर्चा करनी चाहिए कि मिलिट्री मिलिट्री सिस्टम्स ऑफ द मुगल एंड द मराठास। अच्छा तो वो क्या हुआ कि जब ऐसे शिवराय ऐसे पहले थे 2000-3000 साल में, कि उन्होंने मिलिट्री लॉ एग्जिस्ट किया कि जो अजाके शत्रु के स्त्री और बच्चों को हाथ भी लगाए तो आपको मृत्यु दंड दिया जाए। तो मिलिट्री लॉ तो पहले कभी नहीं ही था। अभी मैं जो मनसबदार हूं और मेरे पास इतनी बड़ी जगह मुझे इस बादशाह ने दी है,
एक दो शहर दिए हैं, इतने सारे विलेजेस दिए हैं, मैं एग्रीकल्चर टैक्स लेते हो वहां से, तो मैं तो राजा जैसा ही हो गया ना, मेरा लॉ ही उधर चलेगा, राइट। तो उधर बहुत बार ऐसा भी होता था कि सैनिकों को पगार ही नहीं मिलता था टाइम पे, तो फिर सैनिक, बहुत सारे सैनिक जाके दूसरे एरिया में जाते थे, स्त्री और बच्चों को लेके उनको गुलाम बनाते थे, उनको उनकी बिक्री करते थे। तो वो जो सिस्टम थी वो ही गलत थी, और जो शेत सारा कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बहुत, अभी आप जिजिया टैक्स बोलते हैं, पर ऐसा जिजिया टैक्स तो कुछ भी नहीं, ऐसा और एक टैक्स था हिंदुओं हिंदुओं पे, उस कौन सा? टैक्स को बोलते हैं खराज, 50% हाँ खराज, 50% ऑफ योर प्रोड्यूस यू हैव टू गिव इट टू द मंसबदार, 50% नहीं दिया तो आपके सब घर के लोग बिक जाएंगे, ऐसे है, ऐसा ऐसा रिकॉर्ड है, बट ऐसे खराज वाज इट अ रिलीजियस टैक्स? खराज नो, इट वाज नॉट रिलीजियस, बट इट वाज ओनली फॉर द हिंदू कल्ट एग्रीकल्चरिस्ट। आप वो रिलीजियस टैक्स इन अ बोलते वे हैं, इट वाज रिलीजियस टैक्स। रिलीजियस टैक्स। तो जो मुस्लिम एग्रीकल्चरिस्ट थे उनको 10 ही% था, और अच्छा जो खराज था वो खाली हिंदू एग्रीकल्चरिस्ट के पास था, तो वो आप दे दिए उसके यहाँ, उसके लिए कितने, एक जट जी से उनका नाम स्टार्ट होता है, उन्होंने रिवॉल्ट किया ये टैक्स के विरुद्ध। जाटमल, जाटमल नो जा नो नो गोकल गोखल और कुछ नाम है उनका, तो अच्छा उनको भी काट दिया गया, टोडरमल, टोडरमल, ना टोडर, टोडरमल टोडर मतलब उनका अकबर के अकबर पास के टाइम में थे वो। मंत्री, हाँ टोडरमल, वो मंत्री कैबिनेट थे, सिस्टम उन्होंने भी बड़ा अच्छा। हाँ हाँ उन्होंने, वो मंत्री थे, नो मिनिस्टर, बनाया, पर टैक्सेस जो लगाए हिंदू लोगों के पास, वो तो अकबर से, अकबर ने भी उनको वो टैक्स रखा था, खाली उसने जिजिया टैक्स कम कर दिया, खराज रखा था अकबर ने। था खराज तो था, वो किसी को तो भी पता नहीं, हाँ खराज हिंदू तो था, हिंदू किसानों का बहुत शोषण था देखा जाए तो। शोषण था, बहुत शोषण था। और इन शिवराय के और वहां ये के खाली खाली हिंदू किसानों के लिए था खराज? हिंदू, खराज वाज ओनली फॉर द हिंदूज, 50% ऑफ योर इनकम प्रोड्यूस, इनकम ऑफ द प्रोड्यूस हैज टू गो टू मंसबदार। सो मच उसके ऊपर था वो जिजिया, और उसको। जिजिया ऊपर, जिजिया वो औरंगजेब ने फिर से जिजिया टैक्स लाया। ऐसा नहीं है कि साहब पांडे जी आप चेक लिख दीजिए, आप आपके कोई असिस्टेंट है वो जाओ वो चेक भर दो जिजिया टैक्स मेरा, ऐसा नहीं हाँ था। आप खुद जाना वो मौला के पास, उधर बैठना उनके सामने, उन्होंने थप्पड़ लगाया तो लेना, उन्होंने बोला मुंह खोलो मुझे थूकना है आपके मुंह में तो आप मुंह, कुछ भी आप वहां जिजिया टैक्स, मे बी स्मॉल और बिग, इट वाज ह्यूमिलिएशन, उसका क्या अपमान करना, अपमान, पर खराज में अपमान भी, ह्यूमिलिएशन करने से ये कन्वर्ट हो जाए, हाँ इतना अपमान इस्लाम कर, को ग्रहण कर लें। हाँ तो खराज तो की कोई बात ही नहीं करता है, खराज और ये को भी शायद था कि घोड़े पे नहीं चढ़ सकते, जिजिया भी देना है घोड़े पर भी नहीं चढ़ ना सकते, घोड़े पे नहीं, जो हिंदू व्यापारी हैं। वो जिजिया अलग, देखो एक 10% टैक्स का, उसका नाम मुझे नहीं पता अभी याद नहीं आ रहा है, वो 10% टैक्स को सबको था, जो जो एग्रीकल्चरिस्ट है, तुम्हारा जो धर्म है जात है कुछ नहीं, उसके ऊपर जो जो खराज था वो खाली हिंदुओं के लिए था, उसके ऊपर जो जिजिया था वो खाली हिंदुओं के लिए था, और जिजिया अपमानित करके टैक्स देते थे। तो ये शिवराय ने देखा, उनको पता चला कि जो ये डिसेंड होगा औरंगजेब डेक्कन में और हमारा पूर्ण स्वराज स्वॉलो करेगा, तो हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्रेड सिटीजन्स भी नहीं रहेंगे ये दुनिया के, हम सिटीजन्स ही नहीं रहेंगे। तो इसके लिए उन्होंने बहुत, उनको पता था औरंगजेब ही उनका एकमात्र शत्रु, शिवराय की जो अंतिम संस्कार था वो क्यों नहीं करवाया गया? अभी उसमें वो बहुत ही मतलब
बहुत ही अस्तोपचार से यूं ही मतलब पूर्ण रूप से अंतिम संस्कार नहीं करवाया गया, यही क्या रीजंस के? वो तो एक बहुत हॉट टॉपिक हो गया है महाराष्ट्र में, पर मैंने बेंद्रे डॉक्टर इसीलिए तो बेंद्रे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। डॉक्टर बेंद्रे के बुक में पढ़ा है मैंने, और वो वैसे ही मैंने बुक में लिखा है कि जब हम अंतिम संस्कार मंत्र के साथ करते हैं तब सूतक लट जाता है सारे, तो उस वक्त किसी का भी मंचकारोहण मीन्स किसी को भी सिंहासन पर नहीं बिठा सकते, तो वो सूतक नहीं चाहिए था सोयरा मासा, ताकि उनका लड़का बन सके, अभी राजा। इमीडिएटली बन सके। हाँ, इमीडिएटली बन सके, क्योंकि क्योंकि संभाजी तो अलग थे, वहां पर थे नहीं, पर रायगढ़ में। वो शंभू राजा जब जीत जाते हैं, जब मिलिट्री ही उनके पास आ जाती है ना, हम्बीर राव मोहिते ही उनके पीछे खड़े रहते हैं, तब शंभू राजे पूरा मांत्रिक तरह से पूजा करते हैं और अग्नि संस्कार भी करते हैं, और फिर बाद में बहुत देर के कुछ महीनों के बाद ही वो मंचक राज्याभिषेक कर लेते हैं। अच्छा, ये भी वैलिड क्वेश्चन है कि जब युवराज संभाजी थे, युवराज का मतलब होता है कि राजा के बाद राजा के ना रहने पर यही राजा बन गए, एक हाँ यस पूर्व यस घोषित बात होती है ये। घोषित युवराज जब संभाजी थे, तब इस बात का प्रश्न कहाँ से आया कि अगर छत्रपति नहीं रह गए, शिवाजी नहीं रह गए, तो अब महारानी चार्ज लेंगे और महारानी की आज्ञा का पालन होगा, बजाय इसके कि अभी देखो ये तो बहुत सारे कथाओं में हमने पढ़ा है ना कि युवराज को टू बी और नॉट टू बी, ऐसे तो कितने सारे ड्रामास है, पिक्चर्स है, रियल हिस्ट्री है, सच्चे युवराज को कभी हटाया जाता है, मार दिया जाता है, प्रिजन में डाल दिया जाता मतलब इट है, वाज अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, वन टू पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी थी। और सोयरा मार रानी ने ऐसा भी बताया कि अभी ये मुगलों को जाके उधर से आए हैं तो ये क्या राज करेंगे, ये तो ट्रेटर है उन्होंने तो एक वो बहुत गलती तो हो गई थी शंभू राजे से, एक तो गलती हो गई थी। अभी गलती। हाँ मैं जब ऐसा लिखा है बुक में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम विलीफाई कर रही हो हमारे राजा को, ऐसा हुआ ही नहीं था, अरे सब रिकॉर्ड्स में लिखा है, सब इतिहास पुस्तक में लिखा है, इंग्लिश रिकॉर्ड्स में है, पुर्तगीज रिकॉर्ड्स में है, उस वक्त मुस्लिम रिकॉर्ड्स में है, सब रिकॉर्ड्स में है, तो कैसे नहीं हुआ था उसका मतलब क्या है। नहीं, महान से महान राजा भी राजनीतिक गलतियां कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। और उनको तो 7 साल के उधर से ही मुगल मनसबदार अपने पिता ने बना दिया था, हाँ, आगरा में ले गए थे, बाद में आगरा के आने के बाद भी उनको औरंगाबाद भेजा था, मुआज्जम जो प्रिंस मुआज्जम था तब, मुअज्जम, मुअज्जम जी, मुआज्जम था तब, उनके मुअज्जम। उनके दरबार में 2 बार भेजा था, अभी हाँ, तुमने उनको मुगलान का ही सरदार बना दिया तो वो अच्छा, है। एक प्रश्न ये भी बड़ा वैलिड है, मुअज्जम और अकबर दो थे। अकबर को औरंगजेब बहुत प्यार करता था, क्योंकि ये दिलराज बानो बेगम से लड़के थे, जो कि फारसी पत्नी थी उनकी ये, करके हाँ और जो मुअज्जम थे, इनकी माँ हिंदू थी, जो यहीं की थी और उनसे थे। कश्मीर की थी। हाँ, कश्मीर के। अकबर को क्या जरूरत थी कि वो उनके खिलाफ मतलब औरंगजेब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप राजा के प्रिय पुत्र हैं तो वो अपना राज आपको हस्तगत करेगा, क्या जरूरत थी कि वो ये सब करता कि इनसे मिल जाए, उनसे मिल जाए और बगावत कर दें? नहीं तो क्या हो गया जब जब राजपूतों के साथ लड़ाई शुरू हो गई, पृथ्वी सिंह राठौर को मार दिया गया और उनके पिता हिंदू कुश वहां मर गए, ये सुन के कि उनका पृथ्वी नहीं रहा अभी, उनको उधर ही मर गए बेचारे वो राठौर क्या उनका नाम, और एक राठौर थे बीच में इनके, हाँ राठौर, एक जसवंत सिंह राठौर। एक जसवंत सिंह राठौर, वो तो बेचारे मर गए, फिर और एक राठौड़ थे बीच में जसवंत सिंह राठौड़ के असिस्टेंट, हाँ, एग्जैक्टली, नाम मैं भी उनका बोल रहा हूँ, बट हाँ, एक राठौर थे। वो थे, तो वो अकबर से तो अभी क्या हो गया, दिल्ली में जिजिया टैक्स लगा दिया गया, ये
शिवराय मरने के पहले की एक दो साल की बात है, जिजिया टैक्स लगा दिया गया, सारे हिंदू रिवोल्ट किया, सारे हिंदू रास्ते पे आ गए, ओके, सारे हजारों हजारों दिल्ली के रास्ते पे आ गए। तो उस वक्त औरंगजेब बस्ती राजस्थान जा रहे थे नमाज अदा करने के लिए। नमाज अदा करने के लिए, बहुत सारे हाथी थे उनके पास, तो ये पूरे लोग वहां खड़े थे रास्ते पे हजारों। तो उधर औरंगजेब ने बता दिया कि अभी चलो, मुझे आज का जामा मस्जिद में जाना ही जाना है, मैं कितने महीने से नहीं गया। और वो हाथी वो सब हिंदुओं को मार मार के बुलवा दिया। हजारों हिंदुओं की रास्ते पे मौत हो गई, और पूरे रास्ते यू नो दे बिकेम ब्लडी। तो ये जो दूसरे राठौड़ थे, जसवंत सिंह के, क्यों उनका नाम नहीं मुझे हाँ याद, मैं भी मिस कर रहा हूँ। हाँ, तो वो जो थे वो उन्होंने अकबर से मिले, वो बोले क्या क्या आपके पिता कर रहे हैं, हम तो आपके साथ हैं, फिर भी वो हमें मार रहे हैं हिंदू लोगों को, ऐसा चलता रहेगा तो आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। और अकबर भी थोड़ा सा डेलिकेट था, वो थोड़ा लिबरल भी था, तो उनको भी लगा कि आपके पिताजी ये कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। दुर्गादास दुर्गादास की बात आप कर रही हैं, दुर्गादास राठौड़, राठौर। दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ अकबर को जाके बहुत बार मिले, जब अकबर वॉज फाइटिंग अगेंस्ट मारवाड़ एंड मेवाड़, बिकॉज पृथ्वी को मार दिया, उसके पिता भी चले गए, तो उसके बाद औरंगजेब को लगा अभी मैं ये सब जमीन ले सकता हूँ राजपूत लोगों की, और वहां मनसबदार को लेके मेरा सैन्य बढ़ा सकता, तो इसीलिए उन्हें मारवाड़ और मेवाड़ पे ही कितने मंदिर तोड़े, कितने गोहत्या की, उसका हिसाब किताब भी नहीं है अभी, कितने लोग मारे। वो अकबर देखता था वो, और उसके मन में वो नहीं, उसको नहीं, वो सहन हाँ नहीं, पसंद नहीं था, पसंद नहीं था। सहन नहीं हुआ वो। तो देखो अकबर और संभाजी, शंभू क्यों राय, उनके दोनों की भी एक, उनकी नहीं जल, थी? दे आर सेम एज, उनकी माँ भी जल्दी मर गई, वो सेंसिटिव थे, वो गुड लुकिंग थे दोनों भी, अपने पिता के बहुत प्यारे थे, और दोनों ने अपने पिता को वही साल में छोड़ा। पर ऑफ कोर्स शंभू राजे को समझ गया कि मेरे पिता ऐसे नहीं है, मेरे पिता के पास जाना चाहिए। लेटर है, शिवराय का लेटर है अपने व्यंकोजी, अपने बड़े भाई के, कि मेरा बेटा हमने वापस लाया और उसको बहुत समझाया, और अभी वो बहुत, हम बहुत सुखी है, ऐसा एक लेटर है। कॉरेस्पॉन्डेंस इज द मेन थिंग, लेटर है। तो शंभू राजे गए गए नहीं थे, जो लोग बोलते हैं उनको मेरा ये है कि आप पढ़िए थोड़ा सा इतिहास सुन। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि दत्तो जी को, आप जी को, या जिन लोगों ने बगावत की थी उनको माफ कर देना, क्या संभाजी की एक राजनीतिक गलती थी? क्योंकि वो बाद में फिर उनके खिलाफ काम करने लगते हैं और अल्टीमेटली उनको देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड देना पड़ता है, टकम टोक वो जो पर्वत से फेंकवा देते हैं। तो क्या आपको लगता है वो राजनीतिक गलती थी? एक नहीं, वैसे नहीं बोल सकते गलती थी, क्योंकि इतने जो लोग, वो इतने ट्रेंड लोग, इतने इंटेलिजेंट एंड ट्रेंड अंडर शिवराय, वो सब पता था अपने राष्ट्र का, ऐसे लोग खड़े करना आसान काम नहीं। आसान काम नहीं था, आसान काम नहीं था। सी और मुझे लगता है शायद शायद अगर वो लोग दोबारा उनके साथ ऐसा मतलब एक विश्वासघात वाली बात नहीं करते और साथ में रहते संभाजी के साथ, तो शायद इतिहास कुछ और, रहता है, शायद इतिहास कुछ और होता। हाँ हो सकता था क्योंकि इतिहास हाँ और हो। उन्होंने एक लंबे समय से लड़ाइयां वगैरह कूटनीति में वो बहुत अभ्यस्त थे, तो या शायद जिस तरीके से लास्ट में वो संभाजी पकड़ जाते हैं। अच्छा ये भी बड़ी इस घटना का जो मैं पढ़ रहा था बड़ी दुर्दांत मुझे लगी कि जब संभाजी को औरंगजेब पकड़वा लेता है और दरबार में अपने सामने खड़ा करता है और उनको उकसाने की कोशिश करता है, तो लेकिन संभाजी को उस समय गुस्से में नहीं आते हैं जबकि वो बहुत गुस्सैल स्वभाव था उनका। तो एक तो ये, और किस तरीके से मतलब वो उनको ट्रीट करता है, इस पर आप बताइए थोड़ा सा। अभी वो तो बहुत सैड है ना, तो
अभी उनको पता चलता है शंभूराज कि अभी कुछ भी हो जाए उनका अंत तो है ही, हाँ, औरंगजेब छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा कितना भी गुस्सा करे, कितना भी कुछ नहीं हो सकता। तो अपना डिग्निटी रखने में ही सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। या मुझे लगता है जो एक जो क्षत्रियों का या मराठा उनका जो कल्चर था वो यूं ही किसी के सामने झुकते भी नहीं थे। आप शिवाजी इसके उदाहरण है कि औरंगजेब जैसा शासक उस समय और पीठ दिखा के चले गए जिसके सामने कोई पीठ नहीं दिखाता था, जबकि वो उस समय कोई बहुत बड़े रहा, समझ रहे हैं। वो तो वो अपने आत्मसम्मान के लिए वो वैसे भी नहीं झुकते, मुझे लगता है। थोड़ा सा आत्मसम्मान की बात थी, थोड़ा सा रेसिग्नेशन की भी बात थी। अब तो मैं तो मरने वाला हूँ, और एक तो ऐसा था कि अभी मुझे मेरा आत्मसम्मान दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जो औरंगजेब ने जेहाद की आग सबके हार्ट में लगाई है, वो आग मुझे अभी मेरे लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम की लगानी चाहिए। वो कैसे हो सकता है? मेरे बलिदान से ही हो सकता है, और कुछ भी नहीं। उनको पता था मैं बलिदान, मैं अभी झुकू इनके सामने, पूरे मराठा इधर उधर हो जाएंगे। मराठा मींस मराठी स्पीकिंग, हाँ, कैसा कैसा व्यवहार? एक जी, जाति की बात नहीं कर रही हूँ। मराठा इज मराठी स्पीकिंग, वो पूरे बेल्ट की बात है, उसमें जो भी रहते हैं। जो है 18 18 जात के लोग, जो वो मराठा, व्हाट आई एम टॉकिंग, मैं यहाँ जात की तो बात ही नहीं कर रही है। तो उनका पता था कि बहुत सारे मराठे औरंगजेब को जाके ज्वाइन हुए थे, बहुत सारे आपस में झगड़ रहे थे, सब टूट टूट जाने को हो रहा था। तो शंभू राजे को पता चला अभी मैं इनके सामने झुकू तो सब इधर उधर हो जाए, अभी मैं आत्मसम्मान से पेश आऊं, अभी मैं औरंगजेब के सामने नहीं झुकूं, अभी मैं मेरा मैं मृत्यु के सामने हंस हंस के खेल के जाऊं, तो ही सारे मराठा साथ में आ जाएंगे। क्योंकि उनके उनको लगेगा इतना बड़ा त्याग हो गया है। ओके, उनको पता चल गया था। संभाजी नहीं झुके तो क्या व्यवहार किया औरंगजेब ने उनके साथ? क्या किया, उनको पूछा, एक्चुअली वहां राहुल्ला खान थे उनके पास, औरंगजेब के पास, उनके उस वक्त मिनिस्टर थे, मुझे लगता है रेवेन्यू मिनिस्टर थे, क्या कुछ अभी याद नहीं मुझे। तो उन्होंने पूछा, राहुल्ला खान गए और पूछा कि आप कहाँ कहाँ, आपने कौन कौन से किले में आपने संपत्ति रखी है, लूट मार, जो जो आपने जीती है, नॉट लूट मार, जो आपने जीती है वो कहाँ कहाँ है, और ऐसे कौन कौन से लोग हैं हमारे यहाँ से, मराठा या मुगल, कि आपको उन्होंने सीक्रेटली मदद की है, उनकी लिस्ट दे दो हम। तो उन्होंने नहीं दी। तो बोले आप क्या और कर सकते हैं, मुझे एक-एक अंग काट कर से मार सकते हैं, उसके और क्या कर सकते हैं, आपकी बुद्धि ही उतनी है, आप क्या कर सकते हैं, जो करना है वो करो, मैं नहीं देने वाला। ये जो न्यूज है वो सबको समझ गई, और सारे मराठा, आप सब झगड़ने वाले, वो मुगलों को मिलने वाले, सब साथ में आ गए उसके बाद। तो उन्होंने जैसे औरंगजेब ने जेहाद की आग उनके सैनिकों के मन में लगाई, शंभू राजे ने राष्ट्र प्रेम की आग अपने सैनिकों में लगाई। ऐसा मैंने बुक का भी अंत किया है, जी। और वो हिस्ट्री पे आधारित। तो ये थी हमारे साथ मेधा देशमुख भास्करण जी, जिन्होंने जिनसे हमने चर्चा की। इनकी किताब है संभाजी पर और उनकी शौर्य गाथा पर, तो उस पर हमने चर्चा की। मैं आपसे कहूंगा कि इस किताब को जरूर पढ़िए, बहुत ही एक्सटेंसिवली रिटन है, बहुत ही विस्तार से लिखा गया है संभाजी के बारे में, और आप तमाम उन छोटी छोटी फैक्ट्स को भी जान पाएंगे इसको पढ़ करके, तो अदरवाइज शायद आपको ना पता होने। तो इसी के साथ हम अपना इस हफ्ते का ये कार्यक्रम सॉफ्ट कवर खत्म करते हैं। अगले हफ्ते हम फिर किसी एक किताब के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे शिव पांडे और हमारी पूरी प्रिंट टीम को इजाजत दीजिए। मेधा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हिंदी जो कुछ मिस्टेक हो गए हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, और आपने जो आप कम्युनिकेट करना चाह रही थी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया, और भाषा की उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि जो हम कहना चाहते हैं वो कह दें, इससे ज्यादा कोई उपयोगिता नहीं है। तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर किसी नई किताब के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नमस्कार। थैंक यू।